दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 1995 को पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले नैना साहनी तंदूरकांड के दोषी सुशील शर्मा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बहुचर्चित तंदूरकांड के दोषी सुशील शर्मा को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद जहां पीड़ित परिवार नाराज है, तो वहीं सुशील शर्मा के परिजन कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। 23 साल बाद आज एक फैसले ने फिर उस तंदूर कांड को जिंदा कर दिया, जिस तंदूर से निकली तपिश ने तब पूरे देश को तपा दिया था। जी हां, पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले तंदूर कांड में दोषी सुशील शर्मा की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुशील शर्मा अपनी पत्नी की हत्या में दोषी पाए गए थे। कोर्ट ने सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या करने और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे धधकते तंदूर में डालने का दोषी पाया था। इस मामले में सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील शर्मा को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये मामला सन 1995 का है। उस वक्त दिल्ली के गोल मार्केट स्थित सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा ने अवैध संबंध का शक होने पर पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी थी। इस मामले में साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा के अपराध को बर्बर बताते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इस फैसले के बाद सुशील शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुशील शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई अपनी याचिका में दावा किया था कि वो 23 साल से जेल में है, इसी आधार पर उसे रिहाई मिलनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से पूछा था कि 23 साल की कैद के बाद भी अभी तक सुशील शर्मा को रिहा क्यों नहीं किया गया, और आज हाईकोर्ट ने सुशील शर्मा को रिहा करने के आदेश दे दिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।